सुप्रीम कोर्ट ने देश में प्रोस्टिट्यूशन यानी वेश्यावृत्ति को लेकर बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। समाज में अपने कानूनी हक की लंबी लड़ाई लड़ रही इस पेशे में मौजूद औरतों के लिए ये फैसला उम्मीद पैदा करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने आज देश में वेश्यावृत्ति को एक पेशे के तौर पर स्वीकृति दे दी है और साफ कहा है कि सेक्स वर्कर्स भी कानून के तहत गरिमा और समान सुरक्षा के हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एल नागेश्वर राव, डी आर गवई और ए एस बोपन की बेंच ने सेक्स वर्कर्स के अधिकारों को सुरक्षित करने की दिशा में दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि सेक्स वर्कर्स भी कानून के समान संरक्षण के हकदार हैं। कोर्ट ने कहा कि सेक्स वर्कर वयस्क हैं और अपनी मर्जी से ये काम कर रही हैं, तो पुलिस को उसमें हस्तक्षेप करने और आपराधिक कार्रवाई करने से बचना चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को बेमतलब सेक्स वर्कर्स को परेशान करने से बचने की सलाह दी है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि जब भी पुलिस छापा मारे तो सेक्स वर्कर्स को गिरफ्तार या परेशान ना करे, क्योंकि इच्छा से सेक्स वर्क में शामिल होना गैर कानूनी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि एक महिला सेक्स वर्कर है, सिर्फ इसीलिए उसके बच्चे को उसकी माँ से अलग नहीं किया जाना चाहिए। मौलिक सुरक्षा और सम्मानपूर्ण जीवन का अधिकार सेक्स वर्कर और उसके बच्चे दोनों को है, लेकिन अगर कोई नाबालिग किसी सेक्स वर्कर के साथ पाया जाता है तो ये मामला मानव तस्करी का ही माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि अगर किसी सेक्स वर्कर के साथ यौन उत्पीड़न हुआ तो उसे कानून के तहत सारी मेडिकल सुविधाएं तुरंत मिले जो एक आम पीड़ित को मिलती हैं, क्योंकि अक्सर इस तरह के मामलों में पुलिस का रूखा रवैया दिखता है। पुलिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया को भी दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी सेक्स वर्कर, चाहे वो पीड़ित हो या आरोपी, इसकी पहचान गुप्त रखी जाए। आप सुप्रीम कोर्ट के वेश्यावृत्ति को एक पेशा मानने और इन दिशा निर्देशों के इस फैसले पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें।